गुरु प्यारी सत्संग जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। आज का टॉपिक है अक्ल से खुदा नहीं मिलता। प्यारी सत्संग जी, हमारी अक्ल, हमारी सोच इन सबसे परे है परमपिता परमात्मा। इल्म से, अक्ल से परमात्मा पाया जा नहीं सकता। मन और बुद्धि के बाहर है, हमारी सोच के भी बाहर है। मन बुद्धि से परे है, देखा कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। कि ये दया निधान करुणा का सागर ये कृपा करता है, जब कृपा करता है तभी बंदा इसको पाता है। प्रभु की कृपा से ही प्रभु मिलता है। और अगर हम सोचे कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, अकल वाले हैं, बहुत सयाने हैं, तो अपने हम अकल से, सयानप से, होशियारी से, चालाकी से परमात्मा को रिझा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अकला सोचा पहुंच न सकण मेहरा दिव्य है दीते। मेहर करे जे आप स्वामी रंक बहाले गद्दीते। की कृपा करता है, सिर्फ और सिर्फ कृपा। मेहर करे जो आप स्वामी निर्धन को कर दे सुल्तान। जब ये कृपा करता है तो फिर कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कर देता है। मेहर करे जो आप यह दाता सेवक कुल जहान बने। मेहर जो यह निरंकार करे अनपढ़ भी विद्वान बने। मेहर करे जो सतगुरु पूरा जन को मान बढ़ाई दे। मेहर करे जो सतगुरु पूरा दुनिया की अगुवाई दे। मेहर करे जो सतगुरु पूरा पीछे जगत लगा सकता। मेहर करे जो सतगुरु पूरा जो चाहे करवा सकता। मैं क्या हूं क्या हस्ती मेरी, आप करे हो मेरा काम। अवतार गुरु है रिजा मुझ पर, सुन ले बेशक कुल जहान। ये दातार है, ये खुद तरस खाता है, कृपा करता है, ये चुनता है, ये चुनता है और चुनकर अपनी शरण में ले लेता है। जो बिल्कुल भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उन्हें अपनी शरण में लेता है। जो बहुत दुखी होते हैं, उन्हें अपनी शरण में लेता है। लेकिन अगर आदमी अपना दिमाग लगाता है, दिमाग चलाता है, तो दिमाग से परमात्मा नहीं मिलता। अकल के बाहर है, हमारी सोच के बाहर है। हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, तो बात मायने नहीं रखती है। हमारा दिल कितना सुंदर है, हमारा मन कितना सुंदर है, हमारे मन में भाव कितने अच्छे हैं। तो अगर हमारा मन साफ है, नेक नियत है, मन में दया भाव है, हम सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं, तो परमात्मा खुश होता है। फिर स्वयं कृपा करता है और फिर अपने तक लेकर आता है। प्रभु की कृपा से ही प्रभु मिलते हैं, अकल से खुदा नहीं मिलता। प्रभु की कृपा से ही प्रभु मिलते हैं। केवल कृपा साध्य मार्ग है, भक्ति जो है कृपा साध्य मार्ग है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब ये हरि कृपा करते हैं, राम कृपा करते हैं, गुरु कृपा हो जाती है, तो फिर संत से मिलाता है। प्रभु परमात्मा संत के साथ में मिला देता है। संत सत्संग में लेकर जाते हैं फिर, और सत्संग में जब लेकर जाते हैं तो सद्गुरु मिलते हैं, सद्गुरु मिलते हैं तो खुदा मिल जाता है। ये सारा सिस्टम है, प्रोसेस है प्रभु का।
प्रभु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं, फिर उसको संत से मिला देते हैं, संत के द्वारा सत्संग में लेकर आते हैं, सत्संग में सद्गुरु विराजमान होते हैं, फिर सद्गुरु के द्वारा अपने आप में मिला लेते हैं, क्योंकि जो खुदा है सद्गुरु के घट से काम करता है, सद्गुरु साकार रूप धारण करके आता है, इस परमात्मा का निराकार का साकार रूप सद्गुरु है, तो निराकार साकार सद्गुरु बनके स्वयं से मिलाता है, कृपा कर देता है। अगर कोई चाहे कि मैं अपनी अकल से खुदा को पालूंगा, तो अकल से खुदा नहीं मिलता, सारी स्यानप चतुराई छोड़कर गुरु चरणों में आना पड़ेगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, मिटना पड़ेगा गुरु दरबार में, मिटना पड़ेगा, संतों की चरण धूलि बननी पड़ेगी। जब संतों का आशीर्वाद मिलता है, सदगुरु कृपा हो जाती है, तो ये खुदा मिल जाता है, अकल से खुदा नहीं मिलता। सत्संग जी प्यार से बोलिए, धन रंका जी।